जो व्यक्ति इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, अगर वो आपको कह रहा है कि उसके पास में पर्याप्त सबूत हैं, तो आपके पास में दो ही ऑप्शन है, या तो मेरी आप बात मान लो या आप मेरी बात ना मानो। अगर आप मेरी बात मान लोगे, मामला ख़त्म। अगर आप मेरी बात नहीं मानते, तो उसके बाद में आप बैठ के जो है इसके ऊपर जो मर्जी बिख्यान करते रहो। काफ़ी संख्या में इसमें लोगों ने पार्टिसिपेट किया था और इसके जो रिंग लीडर्स हैं उनको हमने ऑलरेडी आइडेंटिफाई किया हुआ है और हम जो है उनकी जो मुनासिब सर्च में हम लगे हुए हैं और मुझे पूरा विश्वास है जल्दी ही वो लोग पकड़े जाएंगे। बाकी जहां तक सवाल है कन्हैया का, कन्हैया के खिलाफ हमारे पास पर्याप्त सबूत हैं, उसी के आधार पर उसको जो है गिरफ्तार किया गया है। जो व्यक्ति इन्वेस्टिगेशन कर रहा है वो आपको बता रहा है कि मेरे पास पर्याप्त सबूत हैं, और दूसरी तरफ पीटीआई की खबर। अब आप पीटीआई की खबर मान लो या मेरी बात मान लो, चॉइस इज योर्स। इस जो डेमोन्स्ट्रेशन में जो हमारी इन्वेस्टिगेशन हमें बता रही है, इसमें जेएनयू के स्टूडेंट्स तो थे ही थे, कुछ बाहर के लोग भी थे। अब वो जो बाहर के लोग हैं उनका क्या उद्देश्य था, उनका क्या, ये सब चीज़ें जो है इन्वेस्टिगेशन के दौरान में, जैसे ही मैं कोई डेवलपमेंट ऐसी होगी जो आपके संज्ञान में लानी चाहिए, मैं आपके संज्ञान में लाऊंगा। और आप ये बात जानते भी हैं कि दिल्ली पुलिस किसी भी बात को जो पब्लिक के साथ में शेयर की जानी चाहिए उसको हमेशा सही समय पर शेयर करती है।